वेलकम टू आवर फर्स्ट ब्लॉग। टेक्नोटेंट्स के फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये कुछ नया हम ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम आते जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो ब्लॉग के थ्रू आपको हम दिखाएंगे। तो फ़िलहाल हम जाने वाले हैं आज इस्कॉन रोहिणी, जो कि हफ्ते भर पहले ही ये पब्लिकली ओपन हुआ है, ठीक है। तो उसके मेरे को जब पता लगा तो मैंने कहा कि प्लान कर दे ली सही। तो आज मेरा ऑफ था ऑफिस का, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं इस्कॉन रोहिणी। और जैसा कि हमारा टेक चैनल है, तो हमने ये डिसाइड किया है, बाकी आप बताइएगा क्या सजेशन है, कि ब्लॉग के बीच बीच में ही आपको हम टेक न्यूज़ देते रहेंगे। मतलब कुछ कुछ नया चल रहा है, जैसे कि अभी जियो का एक ऑफ़र आया, इसमें 2 महीने के चार्ज, 2 महीने फ्री मिल रहा है। और एक जियो एयर फाइबर का भी ऑफ़र चल रहा है, इसमें करीब 60 दिन का 50 दिन का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, और साथ में आपको स्पीड का भी अपग्रेड मिल रहा है फ्री में जियो एयर फाइबर में। तो उसका भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ब्लॉग नहीं देखना तो आप सिर्फ टेक न्यूज़ ही देख सकते हैं उस ब्लॉग में। तो ये कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है, उस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। OTP हुई है 7900। मालूम है, देखा आपने? आ, खाने पीने का जो बनाता है। देखिए उनका काम अलग है, समझे? और हमारा काम अलग है। उनका काम क्या है कि 10 घंटे गाड़ी चलाना, 5-6 घंटे रेस्ट करना, क्योंकि लोड होने में 4-5 घंटे लगता है, आराम से खाली होने में 4-5 घंटे लगते हैं। हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं ऊबर शटल में, तो इनका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम राजीव है और फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। तो भैया को भी अब यूट्यूब में इंटरेस्ट आ गया, हमने काफ़ी बात की, तो भैया ही बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बनाएंगे। तो ये भी ब्लॉगिंग वगैरह घूमने जाते हैं, तो इनको भी काफ़ी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। और इनकी भी ये गुरुग्राम में गूगल में इनका ये जॉब करते हैं, तो ये भी बोल रहे हैं कि बनाएंगे आगे। और इनका आई थिंक ड्रॉप आने वाला है ना, तो ये द्वारका सेक्टर 21 ना, द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो। हाँ, तो ये द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो में उतरेंगे, तो वहाँ से वो ट्रैवल करेंगे। तो भैया यहाँ से जाएंगे, तो हम ये गुड बाय एक बार कर लेते हैं वीडियो में लेके। बाकी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलके, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे नहीं पता। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर रश नहीं रहता बिल्कुल, मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, है ना भैया? यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं रहता, आप बिल्कुल जाओ, आपको तुरंत मेट्रो में सीट मिल जाएगी। द्वारका भी तो भैया पूरा बनाया हुआ सिटी है, पहले पूरा आप देखोगे तो पूरा वैसा था, कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था। द्वारका हुआ, नोएडा भी, नोएडा तो बहुत पहले से बन रहा है, नोएडा तो फिर अभी बस गया पूरा। हाँ, नोएडा भी पहले कुछ नहीं था, छोटा सा नोएडा था, बहुत बड़ा हो गया और सिटी। हाँ, तो हम आपको बता देते हैं अब ऑफर्स के बारे में, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं क्योंकि हम टेक की भी बात करते हैं। ऑफ़र यहाँ पे चल रहा है फिलहाल, अगर आप जियो एयर फाइबर, जो कि नया एक टेक्नोलॉजी की है, जहाँ पर आपके टेरेस में एक डिवाइस लगा दिया जाएगा, सेम डिवाइस आपका एक जो होता है राउटर या रिसीवर जिसको आप बोल सकते हैं, वो आपका लगा दिया जाएगा आपके रूम पर, जहाँ पर आप लगवाना चाहें। तो होता इसमें यह है कि अगर आप इसमें नए या पुराने यूज़र हैं और 6 महीने से ऊपर का अगर आप लेते हैं, क्योंकि अगर आप नए भी हैं तो आप 6 महीने का उसमें लेते हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिल जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको उसका पोस्ट और आपको इसमें लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। ये ऑफर यहाँ पे चल रहा है कि आप इसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं 2 महीने के आसपास का, या कुछ 50 दिन या 2 महीने के आसपास का यहाँ पर एक्सटेंशन बता रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक और ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग प्लान अगर आपका 30, 40, 50 MBPS का, तो आप उसको 100 MBPS तक, यानी कि आप उसको डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑफर चल रहा है, वो शायद आज ये चल रहा है जो IPL के लिए, ये पिछले महीने चल रहा है,
जहाँ पर आप अपनी स्पीड को फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं, जो भी आपकी वाईफाई की स्पीड है, ये ऑफर चल रहा है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं और आपको नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट कई लोगों को एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो कस्टमर केयर पर आप कॉल करके इनसे बोल सकते हैं कि ये जो ऑफ़र है ये हमारे में एक्टिवेट कर दीजिए, जहाँ पर आपकी स्पीड एक लिमिटेड समय के लिए डबल हो जाती है, 100 Mbps तक भी हो जाती है, अगर आपका स्पीड इतने का नहीं है, अगर कम का 30, 50, 40 Mbps का प्लान है, तो यहाँ से आपको डबल हो जाएगी। पहला ये ऑफ़र हो गया। इसके बाद एक और ऑफ़र है यहाँ पर, जियो के जो भारत सीरीज़ के फ़ोन है, उसमें ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदते हैं, जो कि 1000, 1200, 1300 ऐसा कुछ, यहाँ प्राइस 1000 से स्टार्ट हो जाता है 999 से, तो आप अगर 2 महीने का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, 235 ऐसा कुछ का रिचार्ज होता है, ठीक है, तो उसका आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 2 महीने और ऐड ऑन मिल जाएगा, यानी कि 4 महीने टोटल हो जाएगा आपका। तो आप जब भी मोबाइल परचेस करेंगे, ठीक है, नया परचेस फ़ोन करने पर है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से ये ऑफ़र नहीं है। तो आ गए हैं यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 25, रिस्कॉन यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है। तो पीछे जो आप देख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे बताया कि रिस्कॉन सामने है और 4:30 बजे खुलेगा। तो ये देखिए, ये आप देखिए, इसके जस्ट बगल में आपको दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये देखिए ये है, और इसके जस्ट बाद में आपको ये दिखेगा, ये इसकी पार्किंग है। इस तरीके से यहाँ आप पार्किंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए कार भी खड़ी हुई ढेर सारी। हम वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काफ़ी सारा काम जो है अभी चल रहा है, रिनोवेशन में है, मतलब काफ़ी सारा काम अभी बाकी है, और अब तक ये खुलेगा अब तक हम ऑफ़र के बारे में बात कर लेते हैं आपसे, जो मैंने बताया था आपको। तो गोवा बीबीयू का एक ऑफ़र चल रहा है, जहाँ पर आपको 1 रुपये में स्टूडेंट पास मिल जाएगा, ठीक है, बुकिंग का पास होता है ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ वीडियो के साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो होगा ये कि जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे, तो और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि 1 रुपये में आप इसका पास ले सकते हैं, ठीक है, गोवा वीवो का पास है, जहाँ पर आपको क्या होगा कि कन्फर्मेशन मिल जाएगा, 100% कन्फर्म टिकट। अगर नहीं मिलता है तो आपको अपग्रेड या कुछ कंपनसेशन गोवा वीवो की तरफ से मिलता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो भी जिस चीज़ में भी आपको 100% कन्फर्म टिकट का आपको ऑप्शन दिखाता है और आप उसको बुक करते हैं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको कन्फर्म मिल ही जाता है। इन केस नहीं मिलता है तो आपको कई बार फ्लाइट का अपग्रेड मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको कंपनसेट कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन हाँ, ये कि स्टूडेंट के लिए तो आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड से वेरीफाई करना होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं तब भी कोई बात नहीं, आप किसी इस अपने कुछ भाई बहन या कुछ जो भी उसका भी ले सकते हैं, जो कोई स्टूडेंट हो, तो इस तरीके से आप भी इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें दिखा दिए मैंने आपको, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बाकी वेट करते हैं। Thank you.
कौन अगर आप आना चाहते हैं तो आप टाइमिंग के साथ आइए, मॉर्निंग में 7:30 से लेके 1 बजे तक खुलता है, दोपहर तक इसका बंद हो जाता है, इसके बाद फिर से 4:30 बजे शाम को 4:30 से लेके 9 बजे तक रात तक यहाँ पर खुलता है इस्कॉन। तो आप इसी टाइमिंग के हिसाब से अपना प्लान कीजिए जब भी आप आना चाह रहे हैं अगर, ठीक है। बाकी चलते हैं मेट्रो में। अंजलि, हम आ गए हैं गुरुग्राम में। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, जब देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बिजली कड़क रही, हो सकता है बारिश हो जाए। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑफ़र चल रहा है जियो की तरफ से, कुछ प्लान्स आए हैं जियो सिनेमा के लिए। जी हाँ, तो उसमें प्लान कुछ ऐसा है कि एक 29 का है और एक है 89, दोनों एक महीने के लिए हैं। 29 वाला आपका प्लान है जो है वो है प्रीमियम प्लान, जिसमें आपको जियो के सारे जो सब्सक्रिप्शन हैं, सारे लाइव शोज, सारे वेब सीरीज़, सब कुछ आपको 4K क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी बात की जाए, इसमें एक एक्सक्लूड है, मतलब सारा सब कुछ आपको लाइव टीवी शोज पहले देखने को मिल जाएंगे, 4K क्वालिटी में सब कुछ आप स्ट्रीम कर पाएंगे। बट एक थोड़ा सी कंडीशन इसमें है कि स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि जियो को प्रीमियम लेके अगर आप मैच को देख पाए बिना ऐड के, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैच के आईपीएल के जो ऐड होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। तो इसको इंक्लूड करेगा ही करेगा जियो। और एक जो फैमिली प्लान है, इसमें क्या है कि ये जो प्रीमियम प्लान है इसके सारे बेनिफिट्स आपको उसमें मिलेंगे, बस इसमें आप 4 डिवाइस तक एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको इस्कॉन का ब्लॉग पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो कमेंट में राधे राधे लिखिए। और आपका हम इस वीडियो में चाहते हैं फीडबैक दीजिए आप, क्या वो ब्लॉग कैसा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इस तरीके से टेक न्यूज़ को ब्लॉग में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी आगे कमेंट्स हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा बिजली लग रही है, तो इस बात लोग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।